हेलो गाइस, दिस इज़ मिज़ियाल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो एंड वेलकम यू इन मिशन 30 सीरीज़। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का सेकंड वीडियो और मिशन 30 का थर्ड वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सब स्कूल्स के बारे में जो राजस्थानी स्कूल के सब स्कूल्स हैं और अब तक जो हमने कवर किया है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उनको जाकर के देख लीजिए। हमने अभी तक कवर करा रखा है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग एंड द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के सब स्कूल्स। तो सबसे पहले जो सब स्कूल है वो आता है मेवार स्कूल। जैसा कि आपको पता है कि ये अर्लीस्ट मेवार एरिया है या राजस्थानी एरिया है जिसमें पेंटिंग होना शुरू हुए थे सबसे पहले। तो ये जो पेंटिंग्स स्टार्ट हुई थी वो थी कल्प सूत स्टाइल बेस्ड पेंटिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे हम देखते हैं अर्ली सेंटर ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये अर्ली सेंटर है जो सबसे पहले यहाँ पर पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। सेकेंड आता है दिस स्टाइल ट्रेस्ड अदर सेंटर ऑफ द राजस्थानी स्कूल फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो 16th सेंचुरी में जैसे सबसे पहले हमारी जो पेंटिंग्स है वो मेवार में शुरू हुई, फिर उसके बाद में इन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया जो जितने भी हमारे सब स्कूल्स हैं राजस्थान स्कूल के, तो वहाँ पर हमें इसकी कॉपीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड इट्स प्योर बिफोर इट्स केम इन टू कॉन्टैक्ट विद मुगल। तो ये जब तक मुगल के कॉन्टैक्ट में नहीं आया था तब तक यहाँ पर प्योर मेवारी और राजस्थानी और गुजराती जो पेंटिंग्स स्टाइल है वो देखने को मिलता था। तो ये प्योर पेंटिंग थी उससे पहले, बट जब मुगल का इसमें इन्फ्लुएंस पड़ा तो हमें यहाँ पर विदेशी इफेक्ट भी देखने को मिलता है जो कि ईरानियन एंड पर्शियन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेन आर्टिस्ट यहाँ पर साहिबद्दीन एंड मनोहर हमें देखने को मिलेंगे। तो साहिबद्दीन एंड मनोहर जो आर्टिस्ट हैं वो मेवार स्कूल के मेन आर्टिस्ट माने जाते हैं। एंड सम वर्क ऑफ मेवार सब स्कूल रागमाला बाई निसारद्दीन एंड साहिबद्दीन की पेंटिंग्स देख लेते हैं। तो साहिबद्दीन ने यहाँ पे रागमाला एंड रसिक प्रिया भगवत पुराण एंड युद्ध खंड ऑफ रामायणा, तो ये पेंटिंग्स उसने की हैं। और उसके बाद आता है मनोहर जो राजस्थान का पेंटर है, इसने बालकांड ऑफ रामायणा, तो बालकांड इन्होंने पेंट किया है। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं जगन्नाथ वो एक्सेप्शनल आर्टिस्ट हैं क्योंकि इन्हें और कहीं पर भी देखा गया है और ये मेवार स्कूल में भी पेंटिंग कर। आपसे जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो जगत सिंह वाली रामायण है, तो जगत सिंह के टाइम पे, जगत सिंह यहाँ पर किंग का नाम है, रूलर का नाम है जगत सिंह, तो यहाँ पर याद रखेंगे जो जगत सिंह की रामायण कहलाता है वो युद्धखंड है जो साहिबद्दीन ने बनाया है। ओके, फिर आता है नाथ द्वार सब सेंटर ऑफ मेवार। तो ये जो नाथ द्वार एरिया है या फिर सब सेंटर कह सकते हैं, जैसे राजस्थान का सब स्कूल है मेवार, अब मेवार के अंदर भी एक सब सेंटर है जिसका नाम है नाथ द्वार। तो यहाँ पर जो इमर्ज एज अ स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द लेट 17th सेंचुरी, तो ये जो यहाँ पर पेंटिंग इसमें मेवार में जो इमर्ज हुआ है तो ये लेट 17th सेंचुरी में हुआ है। और ये फेमस किस लिए है, और ये फेमस है पिछवई आर्ट के लिए। और पिछवई आर्ट क्या होता है, ये होता है बैकड्रॉप इन लार्ज साइज जिसपे सिरनाथ जी, अब ट्रेन आ गई भाई। तो यार ये जो लेट के पढ़ रहे हैं ना, आप एक बार बैठ के पढ़ लो, अपने पास नोट करो कॉपी पेन लेकर के, या फिर अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो इसको प्रिंट आउट करा लीजिए और उसमें नीचे मार्क करते जाइए ताकि आप लोगों को याद रहे अच्छे से, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है क्या करना है। और यहाँ पर जो भी चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो वो आप नोट कर लीजिए, तब तक ही हमारी ट्रेन भी गुजर जाएगी। ओके, चलिए गुजर चुकी है। तो यहाँ पर जैसे वर पेंटेड ऑन क्लोथ फॉर द डेटी एंड श्रीनाथ जी फॉर सेवरल फेस्टिवल ओकेजन्स, तो यहाँ पर जैसे झांकियाँ निकलती हैं तो झांकी में क्या होता है, श्रीनाथ जी की पेंटिंग एक बड़े से पर्दे पे बनाई जाती है और वो श्रीनाथ जी के पीछे लगाई जाती है, या फिर कह सकते हैं कृष्णा जी के पीछे लगाई जाती है जो कृष्णा जी की मूर्ति होती है। ठीक है, तो जब इनकी झांकी वगैरह निकालते हैं तो उनके पीछे ये बड़ा सा पर्दा लगाया जाता है जिसे पिछवई कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ये बैकड्रॉप है जिसे पीछे लगाया जाता है। फिर आता है महाराजा जगत सिंह सेकेंड। तो महाराजा जगत सिंह पे सेकेंड के टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, फोलियोज पेंटिंग। यहाँ पर फोलियोज पेंटिंग मतलब जो कि एल्बम के लिए यूज़ किए गए हैं या एल्बम बनाई गई हैं जिसमें बहुत सारी पेंटिंग्स रखी जाती थी, स्टोर की
जाती थी, उनके जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, जो अच्छे अच्छे जैसे कि कोई ओकेज़न है महल में, तो उसे पेंट करवा के रखा जाता था। फीचर्स ऑफ मेवाड़ पेंटिंग, यहाँ पर फीचर्स भी ऐड करें, जैसे कि आपसे ना एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सब स्कूल को डिफाइन करिए, तो सब स्कूल कैसे डिफाइन कर पाएंगे आप, बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं तो इसमें आपको फीचर्स भी ऐड करने पड़ेंगे कि उसमें क्या क्या पेंटिंग्स होती थी, कैसे फीचर्स हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भक्ति मूवमेंट ऑफ द पेंटिंग्स, तो भक्ति मूवमेंट क्या है, जहाँ पर भक्ति वाली पेंटिंग्स की जाती हैं वो है भक्ति मूवमेंट्स। ब्राइट एंड ब्रिलियंट कलर्स यूज्ड, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट चमक दमक वाले कलर यूज हुए हैं। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल हैव लॉन्ग नोज, ओवल शेप, फेस्ड एंड फिश लाइक आइज। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मेवाड़ स्कूल के, मेवाड़ सब स्कूल के जो पेंटिंग्स हैं उनके फीचर्स की बात कर रहे हैं। कभी आप इसे नाथ द्वार से उसका समझ लें, नाथ द्वार सब स्कूल का नहीं है, ये मेवाड़ का है, ठीक है। मेल यूज लूज फिटिंग गारमेंट्स, पटका एंड टर्बन, तो यहाँ पर आपको लूज फिटिंग के पटका एंड टर्बन देखने को मिलेंगे। और पटका क्या रहता है, जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, और इस जो इनका बड़ा सा एक वो रहता था जुब्बा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का, और बीच में एक स्ट्रिप बंधी रहती थी, उसे कहते हैं पटका, ओके। तो यहाँ पर पटका हमें देखने को मिलता है एंड टर्बन देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर अभी भी टर्बन फेमस है, वहाँ की टर्बन अलग ही स्टाइल की होती है। नेक्स्ट, फीमेल यूज लूज लॉन्ग स्कर्ट, चोली, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, तो ये चीज़ें फीमेल के में देखने को मिलती हैं। एंड फीमेल स्मॉलर देन द मेल, फीमेल के जितने भी फिगर्स बनेंगे वो स्मॉलर देन द मेल फिगर बनाए गए हैं। और जो आपके सब स्कूल में जो एक पेंटिंग रखी हुई है, जो आपके सिलेबस में है, इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा, कंपोजिशनल अरेंजमेंट लिखने को आएगा कि उस कंपोज कैसे कैसे किया गया है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर है, वो चीज़ें आपको लिखनी होंगी। और ये एक फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा पेंटिंग को लिखने का या डिस्क्राइब करने का जो हमने यहाँ पर दे रखा है, इस फॉर्मेट में आप अगर डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे पेंटिंग का, तो मारू रागनी, और पेंटिंग का जो क्वेश्चन है वो कैसे आने वाला है, इसमें जो ये फीचर्स दे रखे हैं, ये इसके अंदर जो भी चीज़ें दिख रही हैं उससे रिलेटेड आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। उसमें दो लाइन में आपको लिखा रहेगा कि आपको ये चीज़ किस पेंटिंग में देखने को मिलती है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसका कंपोजिशनल अरेंजमेंट लिखिए। तो कंपोजिशनल अरेंजमेंट में भी आपको पहले टाइटल ऑफ द पेंटिंग लिखना पड़ेगा, टाइटल मतलब पेंटिंग का नेम, मारू रागनी हो गया, पेंटर साहिब तीन, कलर मीडियम वाटर कलर, टेक्निक टेम्परा, सब स्कूल मेवाड़ एंड कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड फिर आता है सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर भी आपसे एक बार बताया जाए जा सकता है कि ये सब्जेक्ट मैटर किस पेंटिंग का है, और उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है, दिस इज़ द रागमाला सीरीज पेंटिंग बाय साहिब दीन, दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन फेमस राजस्थानी लव स्टोरी ढोला एंड मारू। ढोला एंड मारू की एक बड़ी फेमस लव स्टोरी है, ये वहाँ के आइडियल ऑफ लवर आप कहे जा सकते हैं, जैसे कि हीर रांझा है, सोनी महिबाल है, वैसे ही मारू रागनी जो है ये एक ढोला मारू जो लव स्टोरी है वो राजस्थान की फेमस लव स्टोरी है। इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा ढोला मारू की लव स्टोरी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं सुना रहे, बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है। फिर यहाँ पर फिर आता है कंपोजिशनल अरेंजमेंट, तो कंपोजिशन कैसे लिखना है, उस कंपोजिशन में आप पहले ये पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। तो पहले जो ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से आपको ज़्यादातर पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं, फिर आपको जो भी इस पेंटिंग के अंदर दिख रहा है उसकी आपको तारीफ कर देनी है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ दे रखा है, सेट ऑफ रागमाला पेंटिंग, तो ये रागमाला पेंटिंग का जो एक सेट है या फिर फोलियो है या एल्बम है, तो उससे लिया गया है इसे। एंड नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ मेवाड़ स्कूल, तो मेवाड़ स्कूल का मास्टरपीस है ये, तो आप हर उसमें ऐड कर देंगे जिस भी सब स्कूल की पेंटिंग है कि मास्टरपीस ऑफ इस स्कूल, ऐसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अ लव स्टोरी ऑफ प्रिंस ढोला एंड प्रिंसेस मारू। नेक्स्ट, मारू इज ऑल्सो शोज शोन इन टिपिकल राजस्थानी कॉस्ट्यूम एंड फाइव ह्यूमन फिगर आर शोन इन द पेंटिंग्स, वन कैमल एंड वन होंड, होंड जो है ये शिकारी कुत्ता, एंड शोन इन द वॉकिंग पोजिशन, तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर वॉकिंग पोजिशन में दिख रहे हैं, नॉट ओनली होंड एंड कैमल, ऑल दी कोर्ट यार्ड ऑल्सो, जो थ्री कोर्ट यार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, ढोला एंड मारू आर शोन ट्रैवलिंग ऑन अ कैमल थ्रू अ डिजर्ट एंड विद ढोला राइडिंग द कैमल एंड लुकिंग बैक एट मारू। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं ऐसे कि ये कैमल की लॉन्ग राइड पे निकले हुए हैं, जिसमें ढोला एंड मारू उसके ऊपर बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट, येलोइश बैकग्राउंड ब्राउन शेड एंड ब्राउन शेड डिपिक्ट डेजर्ट, तो यहाँ पर
येलोइश बैकग्राउंड आपको जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये लगभग येलो कलर का ही है। एंड ये जो नीचे आपको जो लैंड दिख रहा है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का है। द स्काई इज़ डार्क ब्लू इन कलर। तो यहाँ पर स्काई आप देख लीजिए, ये डार्क ब्लू कलर का स्काई आपको यहाँ ऊपर देखने को मिलता है, जिससे ये हमें पता लगता है कि ये थोड़ा इवनिंग वाला सीन है। ओके, नेक्स्ट। डिटेल्स अबाउट मिनिएचर आर रिटन विद हैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग। सो ये भी देख लीजिए, ये जो है देवनागरी लिपि में यहाँ पर हैंड रिटन कुछ पेंटिंग के बारे में बताया गया है। द होल कम्पोजिशन शोन रिदमिक मोशन एंड बैलेंस्ड। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड पिक्चर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ऊपर ब्लू कलर, ब्लू स्काई कलर यहाँ पर दिया गया था, बट इसको बैलेंस करने के लिए पूरी पेंटिंग को ऊपर येलो कलर का एक स्ट्रिप दे दिया गया है, जिसपे फिर इन्होंने कुछ लिखा है वहाँ पर पेंटिंग के बारे में। तो ये थी आपकी मेवाड़ स्कूल से रिलेटेड पूरी स्टोरी जो आपने जानी आज। आगे के सब स्कूल देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी एक वीडियो मिस ना हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।